नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों, आज मैं बात करूंगा पढ़े लिखे लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जा सकता है जॉब नौकरी के नाम पे। जी हां साथियों, कई बार बोलते हैं ना कि यार पढ़े लिखे लोगों को तो ठगते नहीं है, गरीबों अनपढ़ों को ठगते हैं। नहीं, पढ़े लिखे लोगों को भी ठगा जाता है, क्योंकि शेर के आगे सवा शेर है। बोलते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल गया, हमारे राजस्थानी में कहावत है, और यह सच्चाई भी है, क्योंकि हर चीज का तोड़ है। आजकल ऑनलाइन हो गया तो साइबर क्राइम ज्यादा बढ़ गया, आपने सुना होगा। ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो ऑनलाइन ठगी और स्टार्ट हो गई। तो ये होता क्या है कि पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं कि एजेंटों के चक्कर में उनको लगता है कि अपना काम नहीं होगा, तो आजकल ऑनलाइन वेबसाइट बनी हुई है, जैसे naukri.com, mossero.com, ed.com, ऐसे क्यूकर वगैरह, ऐसे काफी सारी ऑनलाइन वेबसाइट है। तो वो लोग पढ़े लिखे क्या करते हैं, अपना रिज्यूम तैयार करते हैं, बढ़िया सा रिज्यूम बना के उन पे वो डालते रहते हैं, ठीक है, साइड पे अलग अलग डालते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक मान लीजिए इंडिया में करोड़ों बंदे पढ़े लिखे हैं, तो रोज के 5-7, 2-4, 5 हज़ार रिज्यूम ऑनलाइन अपलोड होते हैं, ठीक है। और वो कंपनियां क्या, आपको लगता है कंपनियां जॉब प्रोवाइड नहीं करवाती, वो जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन करती है, ठीक है, सेम कि ये आप अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे वहां पे, तो वो अपलोड वहां पे कर देते हो। तो वो कंपनियां से क्या करते हैं कि जो ठग बैठे हैं एजेंट, वो क्या करते हैं कि इसी ताक में रहते हैं कि उनको कोई बायोडाटा मिल जाए, 5-7, 10-20 हज़ार रिज्यूम वो खरीद लेते हैं यहाँ से, जहां से आपने अपलोड किया इन कंपनियों पे, उनको 5-10 हज़ार रुपए देके वो एक आपका पन्ना, उसमें आपके डिटेल, आपका नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ होता है, वो जैसे 10 हज़ार रिज्यूम उन्होंने खरीद लिए। फिर वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस में बैठे बैठे लड़कियों से कॉल करवाते हैं, सर आपका रिज्यूम हमें प्राप्त हुआ है, मैं फलानी कंपनी से, फलानी एचआर से, ऑफिस से बोल रही हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जॉब में सिलेक्शन हो गया है। बंदा पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसको ये होता है चलो अपने रिज्यूम अपलोड किया था तो हो सकता है अपना किसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया होता है। तो उनको क्या करते हैं, सर आप ये हमारा एड्रेस है, आप ऑफिस में आ जाइए, ऑफर लेटर साइन कर दीजिए, इंटरव्यू दे दीजिए, आपकी अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज है, आप ये इंटरनेशनल भी हो सकता है, नेशनल, नेशनल और दोनों जगह हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, फिर भागे भागे वहाँ ऑफिस में पहुँच जाते हो, वहाँ पे आपसे एक अग्रीमेंट फॉर्म भरवा लिया जाता है, फॉर्म के नाम से 1,500 रुपये आपसे मांग लेते हैं, या ज़्यादा भी मांग सकते हैं, अगर डोमेस्टिक है तो 1,500, इंटरनेशनल है तो उसमें ज़्यादा मांग सकते हैं आपसे, ठीक है। वो पैसा 1,500-2,000-3,000 रुपए तक ये रकम पहुंच सकती है एक, ठीक है। फिर आपको एक ऑफर लेटर दे दिया जाता है कि इस ऑफर लेटर पे साइन कर दीजिए, ये आपका अग्रीमेंट हो चुका है, आपकी इतनी पगार है फलानी कंपनी में, ये आपका जॉब है, क्योंकि उसकी सीवी के हिसाब से जॉब उनको सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे कंप्यूटर वाला बंदा है तो उनको बोल देते हैं फलानी कंपनी में कंप्यूटर जॉब है, 2,500 दराम या 2,000 दराम, 3,000 दराम आपकी सैलरी है। तो इस तरह से फिर बंदे से पैसा ले लेते हैं, फलाने इतने दिन बाद में आपका इंटरव्यू होगा, फलाने वो कंट्री से इंटरव्यू क्लाइंट आएगा, आपका इंटरव्यू होगा, इस तरह से होता है, ठीक है। उनको ज्यादा लूटने की जरूरत नहीं है, सपोज करिए 10,000 डाटा उन्होंने ले लिया, एक कैंडिडेट से वो मात्र 2,000 रुपए लेते हैं, कितने रुपए बन गए, 2,00,000 रुपए कमा लेते हैं, वो लगे कितने, 10,000, 10,000 में डाटा मिल गया, कमाए 2,00,000। ये एक फंडा होता है ऑनलाइन में कमाने का। एक इस शॉर्ट में एक बात बता दूं, 100 की 1 बात, 100 सुनार की 1 लोहार की, अगर किसी तरह की कंपनी कोई ये फर्जी जो कॉल करके आपको बुलाते हैं, 1,500-2,000 मांगते हैं, 100% फेक है। तो जहां पैसा मांगे कि आप हमें 2,000 जमा करा दो, 1,500-1,000 जमा करा दो, उनकी औकात उतनी होती है, उतना ही वो लूटते हैं। तो इन चीजों से बच लें, जहां पैसा मांगे 100% फेक है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल ऑफिस पैसा नहीं मांगती, ये नोट करना, उनको पैसा आगे से मिलता है। इस पे अलग से एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब बातें आपको शेयर करूंगा। तो पढ़े लिखे लोगों को इस तरह से मूर्ख बनाया जा सकता है, तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें उन भाइयों तक जिनको पास ये वीडियो पहुंचना जरूरी है, ठीक है साथियों। चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि हर रोज ऐसे टॉपिक पे वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।